हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी बडी। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीयूसीईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है और आपको जीके वगैरह के सेक्शंस में भी पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जीके के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपको ज्योग्राफी वगैरह भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो विच इज नोन एज पिगमेलियन पॉइंट। तो पिगमेलियन पॉइंट किसे कहते हैं? तो पिगमेलियन पॉइंट किसको कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पिगमेलियन पॉइंट क्या है? तो इट इज अ तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे है? तो इंदिरा पॉइंट आपका 2004 में सबमर्ज हो गया था। तो इट इज अ साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट्स पे, 6 डिग्री 45 मिनट पे है। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग Which of this, which is the southern most point of the India's mainland? तो मैंने अभी आपको बताया कि southern most point India का कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। बट अगर मैं कह रहा हूँ India's mainland का, तो इंडिया मेनलैंड का कौन होगा? तो इट इज कन्याकुमारी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ? तो हाइएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ किसका है? तो अगर हम हाइएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसका है? तो गुजरात का है। ये गुजरात वाले रीजन में क्या होता है? कच्छ वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ खंबात हो गया, जिसको कैम्बे भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है गल्फ ऑफ कैम्बे, तो कैम्बे क्या है? तो खंबात है। ये कहाँ है? तो गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करें विच स्टेट और यूटी हैज हाइएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ, सबसे ज्यादा हाइएस्ट कोस्ट लाइन लेंथ किसका है? स्टेट और यूटी। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में चेंजेस किया गया। तो आप इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं? तो मैंने क्या बताया कि स्टेट कौन सा है? तो गुजरात है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है गुजरात है। हो सकता है यूटी कहीं ऐसा हो कि जिसके पास हाईएस्ट कोस्ट लेंथ हो, तो वो कौन सा है? तो वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की लेंथ कितनी है? तो ये है आपकी 1962 किलोमीटर, नहीं 1962 किलोमीटर है बेसिकली। और अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात का कोस्ट लेंथ कितना है? तो 1214.7 किलोमीटर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली? दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली की क्या? तो अगर हम दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को देखें, दमन एंड दीव की कैपिटल तो दमन थी, ठीक है। दादरा और नागर हवेली की कैपिटल सिलवासा थी, बट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसकी कैपिटल सिलवासा थी और इसकी कैपिटल दमन। बट जब दोनों को जब मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, तो इसकी कैपिटल क्या हो गई है? तो दमन हो गई है। और सिलवासा क्या है? तो लार्जेस्ट सिटी है। सिलवासा इज द लार्जेस्ट सिटी। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चंस को देखें तो हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी आर देयर इन इंडिया? कितने स्टेट और यूटी हैं इंडिया में? ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है। दिस इज 8, ठीक है, 28 स्टेट एंड 8 यूटी यहाँ पे है। तो अगर हम देखें कि कितने स्टेट और यूटी हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल 29 स्टेट्स थे। 29 स्टेट्स से 29 स्टेट्स होने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। तो वो हमारे पास कितने हो गए? तो 28 स्टेट्स हो गए। और क्या हुआ कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो ये दोनों मिलकर के अब एक हो गए, पहले ये दो हुआ करते थे। तो अगर ये पहले दो थे और 7 मेरे पास पहले से था, 7 प्लस 2 यानी कि ये आपका 9 हो जाता। बट जब इन इन दोनों को जब मर्ज करके एक कर दिया गया, तो अगर हम इसको कैलकुलेशन से देखें तो पहले 7 हुआ करता था और अभी हमारे पास दो आपके इंक्रीमेंट हुए। जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांटा गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और साथ साथ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इन दोनों को जब मर्ज किया गया तो एक क्या हुआ? कम हो गया। इसका मतलब क्या है? 7 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो कितने हो गए? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 स्टेट एंड 28 स्टेट एंड 8 यूटी। और 29th स्टेट कौन सा था, बना था वैसे? तो 29th स्टेट जो बना था वो था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। ओके, माहे इज सिचुएटेड इन। तो पहले आखिर माहे है क्या? तो अगर हम माहे को अगर हम समझने बैठे तो माहे क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी का पार्ट है, तो पुडुचेरी कितने पार्ट में? तो पुडुचेरी जो है ये इंक्लूड करता है 4 पार्ट्स को। कौन कौन सा? तो माहे हो गया, कराईकल हो गया, यनम हो गया एंड पुडुचेरी। 4 पार्ट, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, यनम।
तो माहे माहे कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये माहे कहाँ पे सिचुएटेड है? तो माहे सिचुएटेड इन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी। पुडुचेरी सिचुएटेड है, तो पुडुचेरी कहाँ सिचुएटेड है? तो पुडुचेरी तो हम सुनते आते हैं यूनियन टेरिटरी है, बट कौन से स्टेट में ये है? तो पुडुचेरी कहाँ पर है आपका? तो इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। अरेंज द फोर लार्जेस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में मुझे बताना है कि किस तरीके से स्टेट्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या, कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो हमारे पास दिख रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो हमारा लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है एक नंबर पे, सेकेंड में मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर यूपी। तो आपको क्या दिख रहा है? 1, 2, 4 and 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिल्ली रिज इज द नेम ऑफ, तो दिल्ली रिज क्या है? तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, अरावलीज का एक्सटेंशन है। अगर ये अरावलीज का एक्सटेंशन है तो प्लेटू तो ये है नहीं यहाँ पर, इट इज अ माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद और यही अरावलीज पे आपके पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है माउंट अबू, अरावलीज राजस्थान में माउंट अबू, ठीक है। उसके बाद बनिहाल पास, बनिहाल पास इज इन विच स्टेट? बनिहाल पास कौन से स्टेट में है? तो बनिहाल पास आपका कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास। विच रेंज इज नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया? बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं? तो बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं हम लोग कराकोरम रेंज को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू? कौन सा है जो पार्ट है किसका? डेक्कन प्लेटू का। तो मालवा प्लेटू नहीं है, बुंदेलखंड प्लेटू नहीं है, छोटा नागपुर प्लेटू नहीं है, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू है, क्योंकि मेघालय प्लेटू क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू को ही शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, मेघालय प्लेटू को ही शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। और यहीं पे अगर शिलोंग प्लेटू जब है तो यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है? तो यहाँ पे हिल्स है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो खासी हिल्स के पास में मालसुंदरम और चेरापूंजी है। तो चेरापूंजी एंड मालसुंदरम, मालसुंदरम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय न्यू एलुवियल सॉइल? तो कौन सी प्लेन्स जो है वो फॉर्म की जाती है न्यू एलुवियल सॉइल? न्यू एलुवियल सॉइल्स मतलब कि जो नए एलुवियल सॉइल्स है, जो नए एलुवियल सॉइल्स है वो ज्यादा फर्टाइल होगी, ज्यादा फर्टाइल होगी तो ये कौन सी है? This is a खादर, ठीक है, क्योंकि खाद है, खाद ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल क्या करेगी? ज्यादा फर्टाइल, फर्टिलिटी लेके आएगी। भकड़ा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे? तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर सतलज। इसी सतलज रिवर से इंदिरा कनाल आया हुआ है। इंदिरा कनाल कहाँ पे यूज होता है? तो इंदिरा कनाल राजस्थान में इरीगेशन के लिए मेनली यूज करते हैं, राजस्थान में इरीगेशन के लिए, फॉर इरीगेशन, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन मतलब क्या है? एक तो आंसर आपको कहीं भी आपको जवाब मिलता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? तो दैट इज अ मजूली आइलैंड। तो मजूली आइलैंड क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। इज लोकेटेड ऑन विच, इज लोकेटेड ऑन, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो सबसे पहले समझते हैं लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूली जो है ये आपके कौन से रिवर पे है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को जब ये बंगाल में एंट्री करती है तो इसी को कहते हैं हम लोग जमुना, जमुना रिवर, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम लोग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, दिहांग। और अगर हम चाइना की बात करें तो सैंगपो एंड ऑल दिस। तो अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट रिवराइन मजूली आइलैंड इज इन विच स्टेट, तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से इंक्लूड कर, इंटर कर रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं या सियांग बोलते हैं, ठीक है। मेघालय से क्रॉस करती रही है, उसके बाद आ जाता है असम, असम में इसको कहा जाता है, सॉरी असम में ही इस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मजूली। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो दैट इज अ वुलर लेक। उसके बाद लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड,
लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो लेक इन द वर्ल्ड कौन सा होगा, तो डेट इज अ कैस्पियन सी। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको हम लोग कैस्पियन सी बोलते हैं, कैस्पियन सी इसको कहते हैं हम लोग, इतना ज्यादा बड़ा है ये लेक। लेकिन अगर यही पूछ लेता लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो डेट इज अ लेक सुपीरियर, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, कह देता कि डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक कौन सा होगा, तो डीपेस्ट लेक इज अ लेक बैकाल। और ब्लैक सी तो अभी आपको पता ही होगा, ब्लैक सी पे अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, तो अभी आपको ये न्यूज में है काफी, तो ये आपको बेसिकली आइडिया होगा। ओके, उसके बाद आता है निजाम सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो निजाम सागर लेक्स डैम जो है वो किस चीज के ऊपर लोकेटेड है, इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गोदावरी। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, तो लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट डैम इज अ भाखड़ा नंगल डैम। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डैम आपका कौन सा हो जाता, दैट इज अ हीराकुड डैम। और अगर हम बात करें हाईएस्ट डैम इन इंडिया की, तो अगर हम पूछ लेता कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो हाईएस्ट डैम आपका कौन सा हो जाता, दैट इज अ तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ है, इट इज इन यूके, यानी कि उत्तराखंड में। तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग बाकी चीजों, और हाँ मैंने हीराकुड आपको नहीं बताया, हीराकुड डैम कहाँ पे, तो हीराकुड डैम इज इन उड़ीसा, हीराकुड डैम इज इन उड़ीसा, ठीक है। और हीराकुड डैम कौन से रिवर्स पे है, तो इट इज अ महानदी रिवर, ठीक है। बकरा नंगल मैंने ऊपर बता ही दिया था, सतलज रिवर पे, ऑन रिवर सतलज। और अगर हम तेहरी डैम की बात करें, तो तेहरी डैम जो है वो आपकी भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो आप हमारे, आप हमें फॉलो करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अलग अलग जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में दे दिया जाएगा, हम यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारी जगह पे हैं, और हमारा ऐप भी है, तो आप हमारे ऐप को चाहे तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर, जहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जिसको आप चाहे तो आप अटेंड कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट को, जो कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा सीयू सेट के एग्जामिनेशन में। तो और अगर आप चाहे तो हमारे वर्क को सपोर्ट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, और